होल्डिंग पॉइंट की सफाई के लिए मुसीबत बने मैंग्रोव के विरोध में आज बीजेपी नेता दशरथ भगत ने नए जन आंदोलन की शुरुआत कर दी। वासी गांव में आयोजित ग्राम सभा की एक बैठक में इससे जुड़े 31 प्रस्ताव मंजूर किए गए। दशरथ भगत ने कहा कि मैंग्रोव आरक्षित और संरक्षित वन नहीं है, इसलिए इसे बचाने के नाम पर होल्डिंग पॉइंट की सफाई रोकना और खाड़ी किनारे दीवार बनाकर मछुआरों पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है। देखिए रिपोर्ट। क्या मैंग्रोव को वन विभाग ने लगाया है? क्या मैंग्रोव खुद खारे पानी में उगाया है? नई मुंबई के जितने होल्डिंग पॉइंट है उसके अंदर मैंग्रोव है, वह फॉरेस्ट नहीं हो सकता। फिर सवाल यह है कि जो पारंपरिक वन नहीं, वह मैंग्रोव आरक्षित वन कैसे बन गए? क्या होल्डिंग पॉइंट से मेरा वाची गांव डूब रहा है, तुरवा डूब रहा है, सिबी डूब रहा है, सब जगह डूब रहा है पानी, इसलिए वो भी ठहरा दिया मंजूर। खारे पानी में उगे आवारा कांदल वन आखिर सुरक्षित वन कैसे बन गए? जब उन्हें 2005 में जब यहाँ कांदल वन जो मैंग्रोव वन लागू किए उन्होंने यहाँ, तो उन्हें कौन सी प्रक्रिया लागू की है, आखिर दिखाई है? जी हाँ, यह सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि इन्हीं कांदल वनों के चलते नई मुंबई सिटी डूबने वाली है। ये वही कांदल वन है जिनसे होल्डिंग पॉइंट की सफाई अटकी पड़ी है। और तो और, इन आवारा कांदल वनों को बचाने के लिए अब वन विभाग वासी गांव खाड़ी किनारे 7 फुट ऊंची दीवार बना रहा है। यानी अब इन आवारा कांदल वनों के चलते सिर्फ बाढ़ की मुसीबत ही नहीं आने वाली, बल्कि मछुआरों की आजादी और रोजी रोटी सब कुछ छीनने वाली है। और यह सब मनमानी भारतीय वन अधिनियम और वन अधिकार कानून की आड़ में हो रहा है, जो असल में मैंग्रोव यानी आवारा कांदल वनों पर लागू ही नहीं होता। नई मुंबई के जितने होल्डिंग पॉइंट है उसके अंदर मैंग्रोव है, वह फॉरेस्ट नहीं हो सकता। नई मुंबई के जितने होल्डिंग पॉइंट में जो मैंग्रोव है, वो मैंग्रोव हटाओ या मैंग्रोव कट करने का जो हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, लड़ाई ये जो लागू किया है फॉरेस्ट, वही गलत है। ये लड़ाई है, परमिशन मांगने की लड़ाई नहीं है। इसीलिए ये भी ठहराव यहाँ पारित किया है कि जितने होल्डिंग पॉइंट है, क्योंकि मेरा यहाँ होल्डिंग पॉइंट से मेरा वाची गांव डूब रहा है, तुरवा डूब रहा है, सिबी डूब रहा है, सब जगह डूब रहा है पानी, इसीलिए वो भी ठहराव यहाँ मंजूर किया। यहाँ जो जमीन बचाओ और जमीन बढ़ाओ और जो यहाँ दीवार खड़ी कर रहे हैं उसको विरोध है। खबर है कि मछुआरों को रोकने वासी गांव की तरह जूहू गांव, ऐरोली, घनसौली गांव और कोपर खेड़े में भी दीवार बनने वाली है। यानी हर इलाके में मछुआरों की पारंपरिक रोजी रोटी छीनने की तैयारी है। फिलहाल इसे रोकने ग्राम सभा की बैठकें शुरू हो गई हैं। वासी गांव में पहली बैठक हुई जहां 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस पर दशरथ भगत ने कहा कि वन अधिकारियों ने वन अधिनियम 1927 की धारा 4, धारा 6 और धारा 9 एवं वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 और 3(2) का खुला उल्लंघन करते हुए दीवार बनाने की तैयारी की है, जबकि ऐसे उपक्रम चलाने से पहले कार्य योजना की रूपरेखा, उसके प्रभावों की जानकारी देना और विज्ञापन के जरिए सूचना आपत्तियां मंगाना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दशरथ भगत ने कहा कि इस मनमानी के खिलाफ वासी गांव से विरोध की पहली मसाल जली है जो अब हर गांव तक जाएगी। आपको जो कुछ करना है, वह कुछ प्रकल्प करना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है या वन रिजर्व करना है, आप जाके उस लोगों का जाके मिलो, उनका मीटिंग ले लो, वो ग्राम सभा जाके वो ठहराव मंजूर करो, हरकत वहाँ जो सुझाव है, ऑब्जेक्शन सजेशन दे दो, उसी मीटिंग बुलाओ, उस मीटिंग के लिए घर घर पत्रक दे दो, उनको विनती पत्रक लगाओ, पेपर में जाहिरात दे दो। ये सब उसने किया है क्या? ये कानून बोल रहा है कि ये सब उसने करना चाहिए। जब उन्हें 2005 में जब यहाँ कांदल वन जो मैंग्रोव वन लागू किए उन्होंने यहाँ, तो उन्हें कौन सी प्रक्रिया लागू की है, आखिर दिखाई है? पुलिस और प्रेस के सामने दिखाई, किस कानून का आपने उपयोग किया है, और उपयोग किया है लेकिन कैसा कैसा किया है, उसकी श्रृंखला क्या है, उसका रीत कैसी है,
उसकी प्रक्रिया कैसे हो, कैसा अमल किए है। बताना जरूरी है कि बेलापुर वाशी के होल्डिंग पॉन्ड 14 सालों से साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां खारे पानी से उगाए अनचाहे और आवारा कांदल बनों का कब्जा है। इन कांदल बनों के बीच कीचड़ सफाई के लिए कोर्ट की परमिशन मांगी जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट और खाड़ी पुल के लिए हजारों मैंग्रोव काट दिए गए। यह दोगली नीति नहीं तो और क्या है। बीजेपी नेता दशरथ भगत और पीएपी नेता राजाराम पाटिल मानते हैं कि स्थानीय ग्रामस्थों और मछुआरों की आजादी कैद करने और कानून की आड़ में खाड़ी की जमीन हथियाने की बड़ी साजिश है, जिसे कोली और मछुआरा समाज चलने नहीं देगा। पुत्र है जो यहाँ के नागरिक है, उनके अधिकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसके लिए न्यू बॉम्बे में पहली आज वाशी गांव में सभा होगी, ग्राम सभा होगी। पहली बार उन्होंने अपना अधिकार रखा है। एयरपोर्ट में भी ग्रामस्थों ने अपना अधिकार रखा नहीं था, सब ब्रिजेस में नहीं रखा था, अभी पहली बार ये हो रहा है। और शासन और प्रशासन इसके ऊपर दुर्लक्ष कर रहे हैं, और ये एयरपोर्ट में हुआ है, इस वाशी ब्रिज में हुआ है, कांदलवन तोड़े गए लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। आज पहली बार लोगों ने अपना अधिकार मांगा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है निवम में कि आप इनके साक्षीदार हो। कानून के रक्षक कौन है? अधिकारी है, उसने आगे हमें बताना चाहिए कानून। वो खुद भक्षक हो चुकी है, अभी उनके जाकर पूछो भाई ये इसका कानून तो बताइए आपको, किस कानून का आपने उपयोग किया है, और उपयोग किया है लेकिन कैसा कैसा किया है, एक उसकी श्रृंखला क्या है, उसका रीत कैसे है, उसकी प्रक्रिया कैसे हो, कैसा अमल किए है। और जो अधिकारी झूठ षड्यंत्र और कपट करेगा वो अंदर जाएगा, वो अंदर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।